तो अभी भी इंडिया में लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसके कारण जो है वो ये है कि भाई सुनने में लोगों के आता है कि ये ट्रांसमिशंस बहुत ज़्यादा इशू जनरेट करते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पेशली थार 4x4 में कहते हैं कि भैया ऑफ रोड में मैनुअल बेटर है। पता नहीं है कि क्यों बेटर है कि नहीं है, पर सुन लिया किसी का तो कहते हैं कि हाँ भैया मैनुअली बेटर होगा, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो अब यार जब गाड़ी है तो अपने को वो वीडियो भी बनानी थी कि भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन किस तरह कैसे। तो भैया जेमी क्लार्कसन के जो चेले हैं, जो वो डायलॉग है प्रॉपर मैनुअल, सो प्रॉपर मैनुअल वाले यहाँ से निकल लें, क्योंकि मैं भी मैनुअल भी चलाता हूँ। आई नो मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब 14 साल के बच्चे जेमी क्लार्कसन की वीडियोस देख के प्रॉपर मैनुअल की बात करते हैं, उन्होंने आज तक मारुति 800 नहीं चलाई, तो भैया तुम रहने ही दो। तो अब बात करते हैं जो प्लस एंड माइनसेस हैं, उनकी बात फिर बाद में करेंगे, मैनुअल ऑटोमेटिक जिस दिन कंपैरिजन करेंगे। अभी बात करते हैं कि भैया थार ऑटोमेटिक का ऑटोमेटिक कैसा है। सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। थार ऑटोमेटिक में एसिन जापान, मतलब एसिन से की ब्रांड का नेम है उसका, बहुत ही बड़ी कंपनी है, फॉर्चून 500 कंपनी है। सो महिंद्रा को उनसे ये गियर बॉक्स लेने के लिए, ऑटोमेटिक जो 6-speed गियर बॉक्स है ये लेने के लिए सैनियोंग और महिंद्रा की सेल्स कंबाइन करनी पड़ी थी, तब जाके वो लोग ये गियर बॉक्स उनसे ले पाए। तो आप समझ सकते हो कि क्या स्केल की वो कंपनी है। महिंद्रा कोई छोटी कंपनी नहीं है, बट स्टिल उन लोग को मतलब गियर बॉक्स लेने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ा। अब गियर बॉक्स की अगर बात करें, ये टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स है। टॉक कन्वर्टर्स एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक्स होते हैं जो उनको बोला जाता है, और फ्लूड हाइड्रोलिक्स बेस्ड गियर बॉक्सेज होते हैं और अच्छे गियर बॉक्सेज हैं। अगर कुछ गियर बॉक्सेज हैं जिनका गंदा ओवरऑल बड़ा गंदा सा भी रिस्पॉन्स रहा है, पर ये गियर बॉक्स काफ़ी अच्छे गियर बॉक्सेज में से, लेटेस्ट जनरेशन के गियर बॉक्सेज में से है। इस जनरेशन का मतलब इस सीरीज़ का गियर बॉक्स इवन वोल्वो SAT टाइप की कार्स तक में रहा है, तो यू कैन नो कि ये अच्छा गियर बॉक्स है। सो अभी तक जो मेरा इसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। प्लसेज एंड माइनसेज की बात बाद में करेंगे, अभी देखते हैं कि कैसे इसको चलाना है और क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के साथ में एक आपका अगर प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली थार को कैसे चलाया जाए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए हम लोग को। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब आप गाड़ी को पार्क करोगे तो आप उसको पार्क करोगे हमेशा पार्क मोड में, पी में, और अगर गाड़ी का इग्निशन ऑफ है तो आप पी से गाड़ी का गियर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया तो आप गियर बॉक्स या गियर शिफ्टर को, गियर शिफ्टर स्पेसिफिकली, गियर शिफ्टर को आप डैमेज कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पार्क मोड से रिवर्स या न्यूट्रल या फिर ड्राइव मोड में जाना है तो सबसे पहले इग्निशन ऑन होना बहुत ज़रूरी है। इग्निशन ऑन होते ही उसके बाद में यू कैन शिफ्ट फ्रॉम पार्क टू किसी भी गियर में। पर अगर आपने मान लीजिए गाड़ी पार्क में खड़ी है तो सबसे पहले स्टार्ट करके जो वार्म अप होता है वो पार्क में ही करना ज़रूरी है। पार्क इज़ सॉर्ट ऑफ ए गियर जहाँ पे ये गियर बॉक्स को लॉक कर देता है, और आपको कभी भी पार्क मोड में रेड लाइट पे नहीं रुकना है, क्योंकि अगर मान लीजिए पीछे से गलती से किसी ने आपको ठोक दिया तो उस टाइम पे गाड़ी का गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है क्योंकि वो लॉक्ड है। तो हमेशा न्यूट्रल में रहना जब आप रेड लाइट पे खड़े हो। तो ये प्रिकॉशंस हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग। इस वीडियो में आपको इसके गियर बॉक्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन बचेगी नहीं अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। तो इग्निशन ऑन है, ऑन होने के बाद में यू स्टार्ट, ब्रेक पेडल प्रेस करो, स्टार्ट द कार, और उसके बाद में आप इसको ड्राइव मोड में डाल सकते हो। तो ड्राइव मोड में डालने के लिए सबसे पहले ब्रेक प्रेस करो, हैंड ब्रेक डाउन करो। हैंड ब्रेक एक सेकेंडरी मैकेनिज्म है एक्चुअली, जो कि न्यू पार्क के साथ में मिलकर काम करता है। उसके बाद में एक बटन है यहाँ पे, सो ये बटन हर बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके साथ में 4x4 का लीवर है। तो दो लीवर हैं इसके अंदर, और दोनों को किस तरह से ऑपरेट करना है आज मैं आप लोग को बताऊँगा। सो ड्राइव मोड में मान लीजिए पार्क से हमें बाहर निकलना है, सो हमें ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, लॉक बटन इसको बोलते हैं, और उसके बाद में ब्रेक पैडल प्रेस करते हुए आप इस तरह से इसको ड्राइव मोड में लेके आ सकते हो। जैसे ही ड्राइव मोड में आएगी
डैशबोर्ड पे वी विल सी कि डी मोड में आ गई है गाड़ी, और आप ब्रेक पेडल जैसे ही प्रेस करोगे गाड़ी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो ड्राइव मोड में है गाड़ी अभी, और ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, गियर्स चेंज करता रहेगा अपने आप आपके पैडल इनपुट के हिसाब से। तो एक गियर बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो अडेप्टिव सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके पैडल इनपुट्स के बेसिस पे गियर बॉक्स लर्निंग फेज में रहता है, सीखता रहता है और ऑप्टिमाइज करता रहता है उस तरह से अपने शिफ्ट्स को। तो अगर आप हैवी फुट वाले हो तो आपके हिसाब से चेंज करेगा, आप लाइट फुट वाले हो तो उस हिसाब से चेंज करेगा, तो अडेप्टिव गियर बॉक्स है ये। उसके साथ में आप मैनुअल मोड में भी जा सकते हो, मैनुअल मोड में जाने के लिए आपको इसको लेफ्ट की तरफ धकेलना पड़ेगा, तो ये मैनुअल मोड में चला गया। जब ड्राइव मोड में गाड़ी रहेगी उस टाइम पे ये शिफ्ट करता रहेगा हर 2000 आरपीएम पे पहुंचते ही गियर्स को नेक्स्ट, उसकी जो फील होगी वो अलग होगी उसकी लर्निंग एल्गोरिथम्स के हिसाब से। पर जैसे ही ये जाएगा मैनुअल मोड में तो उसके बाद में कई सारे फंक्शन है, एक तो ये गियर तब चेंज करेगा अगर आप उस टाइम पे भी इससे चाहते हो कि ऑटोमेटिकली करे। तो अगर आप मान लीजिए मैनुअल मोड में हो, कई लोग सोचते होंगे कि मैनुअल मोड में जाने के बाद में आपको गियर्स अप एंड डाउन खुद करने होंगे, नहीं गियर्स ये खुद डाउन करेगा उसके बाद भी चाहिए मैनुअल मोड में है। तो अभी गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में आ चुकी है अभी, यस अपने आप अभी फर्स्ट में आ गई है। और आप अगर आपको खुद चेंज करना है तो आप इसको आगे की तरफ प्रेस करोगे तो गियर प्लस कर देगा, पीछे की तरफ खींचोगे तो गियर माइनस कर देगा। तो अभी ये जैसे 4000 आरपीएम के आसपास तक चला गया था क्योंकि मैंने गियर चेंज नहीं किया था। इस तरह से यू कीप ऑन चेंजिंग द गियर्स, तो ये थर्ड में चली गई, अभी फोर्थ में चली गई। और सबसे ख़ास बात है कि मैनुअल मोड में भी अगर इसको लगता है कि आपका गियर सिलेक्शन गलत है तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा गियर चेंज करना। सो जैसे मैं काफ़ी स्लो स्पीड में था तो इसने मुझे थर्ड से फोर्थ में नहीं जाने दिया। सो ये एक बार ब्लिंक करेगा, ब्लिंक के बाद में आपको मतलब उसी गियर में रख लेगा। और उसी तरह आप अगर गलती से बहुत हाई आरपीएम पे गियर डाउन करना चाहते हो तो फिर ये डाउन भी नहीं करने देगा आपको। सो काफ़ी एक तरह से फुल प्रूफ गियर बॉक्स है। अब इसने करने दिया तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड इसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि भाई इस तरह से ऐसी कोई चीज़ें आप ना कर पाओ जिससे कि आप इस गियर बॉक्स को डैमेज कर दो। तो काफ़ी फुल प्रूफ गियर बॉक्स मुझे लगा उस सेंस में, क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग स्टाइल रहने वाली है गाड़ी की वो उतनी स्पोर्टी नहीं रहने वाली है जैसे कि स्पोर्ट्स कार की होती है। तो आप मैंने वापस इसको ऑटो मोड में डाल दिया। अभी अब होगी ये बातें, उसके बाद में दो गियर और हैं, एक है न्यूट्रल और उसके साथ में एक है रिवर्स। सो उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। तो जैसे ही हम लोग किसी रेड लाइट पे रुकेंगे ना तो वहाँ पे हमें बिल्कुल हॉल्ट पे आके, और आप ड्राइव मोड में अगर मान लीजिए ब्रेक प्रेस करके खड़े हुए, ब्रेक रेड लाइट काफ़ी लंबी है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इंडिया में गियर बॉक्सेस के साथ में इशू है। तो ऑलरेडी रेड लाइट आ चुकी है, अब हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, रुक गया मैं बिल्कुल हॉल्ट पे आ गया। और क्योंकि गाड़ी ड्राइव मोड में है तो आप जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी चलने को तैयार होगी, तो इसका मतलब ये कि ऑलरेडी गियर बॉक्स इज़ अंडर प्रेशर। सो आप इसको विदाउट एनी बटन प्रेस एक्सेट्रा आप इसको धकेलो, इट विल गो इनटू न्यूट्रल। उसके बाद में आप ब्रेक पैडल से पैर हटा सकते हो, दैट मींस गियर बॉक्स से लोड हट चुका है। तो इस प्रॉब्लम के साथ में, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ब्रेक लगाए खड़े रहते हैं, अब हम वापस ड्राइव मोड में जाने के लिए जस्ट पुश दी लीवर पीछे की तरफ और गाड़ी चल पड़ेगी। तो हमें जो ये बटन है ये बटन प्रेस करना है जब हम जाते हैं न्यूट्रल से पार्क में या फिर पार्क से रिवर्स में, उस टाइम पे हम लोग को ये बटन प्रेस करना पड़ता है। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी लिवर्स के साथ में, आपको पार्क से आप तभी मूव कर सकते हो जब आपकी गाड़ी का इग्निशन ऑन है। और उसके साथ में जो बटन्स हैं वो कब प्रेस करने हैं उनका ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आप रेड लाइट्स पे रुकते हो तो आपको न्यूट्रल करनी है गाड़ी, स्टॉप एंड गो में बार बार न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल एक सेकंड दो सेकंड के लिए स्लो हो रहे हो। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स को कुछ नहीं होता है। ये आप जब ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से ये
आपको गलत चीज़ें नहीं करने देता, तो आप समझ सकते हो क्लच आप मैनुअल कार में ऑफ रोड में एक मिनट में उड़ा सकते हो अगर आप ध्यान से नहीं चला रहे हो तो। हाँ, ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में अगर कोई इशू आ जाता है तो महंगा है रिपेयर, बट अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो जो मैन्युफैक्चरर बोलता है तो ये गियर बॉक्सेस ज़्यादा रिलायबल हैं, ज़्यादा ट्रबल फ्री हैं, ईजी हैं चलाने में आपके लिए मैनुअल के कंपैरिजन में। पर जो बात है वो ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यार 5 साल की वारंटी आप एक्सटेंड करा सकते हो, 3 ईयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी, 2 साल की और, तो 5 साल की वारंटी उन लोग को मेंटेन करनी है, तो आपको सेफेस्ट प्रोसेस बताएंगे कि भाई आप ऐसे करो जिससे कि आपकी गाड़ी कभी इश्यूज ना क्रिएट करे। अब इसके बाद में हम अभी ऑफ रोड एनवायरनमेंट में नहीं है पर गियर बॉक्स की बात हो रही है तो अब एक बार ज़रा 4x4 की भी बात कर लेते हैं कि इनको शिफ्ट कैसे करना है। तो एक बार ज़रा मैं हॉल्ट हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ प्रॉपरली, हज़ार लाइट्स ऑन कर देता हूँ एंड मैं न्यूट्रल में चला जाता हूँ। तो जब इस वाले लीवर की बात आती है, सेकंड लीवर की, जो कि है 4x4 के लिए, तो वहाँ पे गाड़ी पहले न्यूट्रल में होनी चाहिए, आपको रुकना पड़ेगा उन गियर्स को चेंज करने के लिए। तो सबसे आगे जो है वो है 2 हाई, उसके बाद में 4 हाई, उसके बाद में न्यूट्रल और उसके बाद में 4 लो। तो 2 हाई 4 हाई और 4 लो के बारे में भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। 2 हाई का मतलब है नॉर्मल ड्राइविंग, पीछे वाले जो टायर हैं, जो 2-व्हील ड्राइव गाड़ी हाई स्पीड में चल सकती है, एच मतलब हाई। उसके बाद में दूसरा है 4 हाई। सो इस टाइम पे एक डिफरेंशियल जो है वो भी लॉक इन हो जाता है, मतलब दूसरा डिफरेंशियल भी चलने लगता है और फिर 4 व्हील्स को पावर जाने लगती है, तो वो 4 हाई बन गया, मतलब आप उसमें अच्छी स्पीड्स पे, जितनी स्पीड्स पे आप नॉर्मली 2 हाई में चलाते हो, चला सकते हो। जो 4 लो है वो है लो रेशो गियर बॉक्स, तो एक गियर बॉक्स और एंगेज हो जाता है जो कि आपकी स्पीड्स को कम कर देता है और टॉर्क को बढ़ा देता है, तो ये 4 लो है। अब एंगेज कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। गाड़ी होनी चाहिए न्यूट्रल में, 2 हाई से 4 हाई करने के लिए आपको सिर्फ इस लीवर को पीछे की तरफ खींचना है, ये एंगेज हो गया, बड़ा इजी है। उसके बाद में आपको अगर 4 हाई से 2 हाई में जाना है, उसके लिए भी आपको सिर्फ इस तरह से प्रेस करना है, ये चला जाएगा 2 हाई में, पर गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मान लीजिए 4 हाई से जाना है 4 लो में, तो बीच में न्यूट्रल दिया गया है, एक बार न्यूट्रल होना ज़रूरी है क्योंकि वो शिफ्ट हो रहे हैं गियर्स बीच में। सो 4 हाई से न्यूट्रल जाने के लिए आपको इसको नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, लीवर में ये मोशन है क्योंकि दूसरे वाले गियर्स को कनेक्ट करेगा, तो इसको नीचे दबाना है और न्यूट्रल में खींच देना है इसको। तो अब ये न्यूट्रल में हो गया, जब ये न्यूट्रल में होगा तो ये वाली गियर्स भी लगाने के बाद में गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि वो ये ओवरराइड कर देगा इस वाले न्यूट्रल को। तो अगर हमें न्यूट्रल से 4 लो में आना है तो सिर्फ लीवर को खींचना है पीछे की तरफ, और वापस जाना है तो आपको धकेलना है आगे की तरफ, न्यूट्रल आ गई वापस। न्यूट्रल से 4 हाई में जाना है तो आपको फिर से इसको प्रेस करना पड़ेगा और ये चली जाएगी 4 हाई में, और 2 हाई में जाना है वापस तो सिर्फ ऐसे प्रेस करो, 2 हाई में चली जाएगी। उसके बाद में आप ड्राइव मोड में डालो गाड़ी को इस तरह एंड गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। सो ये है फंडा। उसके अलावा अब ऑफ रोड में ये कैसा चलती है, क्या फीलिंग आएगी, उसकी बात करेंगे जब हम इसको ऑफ रोड में चलाएंगे। मैंने एक्चुअली टेस्ट भी किया था, चलाया था, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है, नो डाउट अबाउट इट, और बड़ा कंट्रोल रहता है। तो वहाँ पे बात करेंगे कि जो ऑटोमेटिक्स हैं वो एक्चुअली बढ़िया हैं कि ख़राब हैं ऑफ रोड में। नेक्स्ट रहेगी, 2 वीडियो के बाद आएगी, वो हम देख लेंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह से चलती है थार 4x4, और देखते रहो डीसीवी दोस्तों। बाय बाय।